माता रानी से ये प्रार्थना है
आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, आप सभी को सुख समाधान आरोग्य ऐश्वर्य मिले, आपके जीवन में सारी चिंता और कुंठाएं दूर हो। और यह सारी चीजें करने के लिए माता रानी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को और हम सबको ताकत दे। माता रानी के आशीर्वाद से मोदी जी ने भारत को दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया, अब तीसरी बनेंगे। और वो दिन दूर नहीं कि जब हम पहले नंबर पर जाएंगे, बस माता रानी का आशीर्वाद चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और देखिए आपके आशीर्वाद से क्या होता है, आपने हमको वापस लाया तो सारी पाबंदी खत्म हो गई। आज भी 12 बजे तक, कल भी 12 बजे तक, परसों भी, हम माता की आराधना 12 बजे तक चलेगी और कोई इसको रोक नहीं सकता। ये माता रानी का आशीर्वाद है। मैं आप सभी को नवरात्रि उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच भंडारी साहब, बस इसी के लिए और हम सब पर बनाए रखेगा। एक और बार हम सब के साथ जय श्री राम। अगर मोदी जी यूं ही हमारे देश के रक्षक बने रहे तो कौन चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में भी भगवान का मंदिर हो? तो जितने कृष्ण प्रेमी है वो सबकी दिल की इच्छा है सर जी की हमारे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में भी उनका मंदिर हो। तो आगे देखिए धीरे धीरे क्या बन रहा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है।
हैं।